नमस्कार। सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सांसद संजय धोत्रे को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाह। लोकसभा व होली को लेकर पुलिस का रूट मार्च। लोकसभा व धार्मिक उत्सवों को लेकर सात को किया तड़ीपार। जिला परिषद में होगा शिकायतों का निवारण। और हाथरुन बोरगांव वैराले सड़क निर्माण में भारी गड़बड़ी। शनिवार को सोशल मीडिया पर सांसद संजय धोत्रे को लेकर जोरदार अफवाह चली, जिसमें सांसद संजय धोत्रे को हृदयाघात का झटका आने की बात कही गई थी। दोपहर को सांसद ने खुद को पूरी तरह स्वस्थ होने का स्पष्टीकरण दिया। शनिवार को सांसद संजय धोत्रे को हृदयाघात का झटका लगने की अफवाह सुबह से लेकर दोपहर तक चली, जिसके कारण अकोला जिले में हड़कंप मच गया था। सोशल मीडिया पर यह अफवाह तेजी से फैली थी। उसके बाद स्वयं सांसद संजय धोत्रे ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि वे पूरी तरह से स्वस्थ है। स्पॉन्डिलिसिस की तकलीफ के कारण वे डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए गए थे। इस संदर्भ में स्वयं सांसद संजय धोत्रे ने अपने पूरी तरह से स्वस्थ होने की बात सिटी न्यूज से बोलते हुए कही। गेल्या जवळपास 15-20 दिवसात माझा थोड़ा प्रवास वगैरह जास्त झाला आणि दगदगीमुळे मला अनेक वर्षापासून जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलायटिसचा त्रास आहे तो त्रास खूप वाढल्यामुळं मी आमचे डॉक्टर सोनवणे आहेत त्यांच्याकडे गेलो आणि त्यांनी एक सेफर साईड म्हणून सावधगिरीचा उपाय म्हणून माझं डाव्या बाजूलाच सतत हात मान दुखत राहते म्हणून त्यांनी ॲन्जिओग्राफी करायला सांगितली आणि ती ॲन्जिओग्राफी केली आणि ॲन्जिओग्राफीमध्ये काही निघालं नाही। आता थोडं ॲन्जिओग्राफी केल्यानंतर एक दिवस आराम करावा लागतो, त्यामुळं मला आज दवाखान्यात आहे, मी आजच सुटी होणार आहे। मला आणि मी माझे जे पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत, आमचे वरिष्ठ नेते आहेत आणि ह्या लोकसभा मतदारसंघातले सर्व आमचे मतदार आहेत, चाहते आहेत, ह्या शहरातले जिल्ह्यातले मतदारसंघातले जे आमचे सगळे व्यापारी बंधू आहेत, पत्रकार बंधू आहेत, त्या सगळ्यांना मी हे सांगू इच्छितो की माझी प्रकृती एकदम चांगली आहे। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता और होली व धूलिवंदन को देखते हुए शहर में कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा शहर के संवेदनशील इलाकों से रूट मार्च निकाला गया। लोकसभा चुनाव और होली के दौरान शहर में कानून व सुव्यवस्था अबाधित रहे, इसके लिए पुलिस द्वारा आवश्यक उपाय योजनाएं की जा रही है। होली उत्सव को 4 दिन का समय शेष रह गया है। वही लोकसभा चुनाव की घोषणा भी की गई है, जिसके कारण राजनीतिक वातावरण में गर्मी आ गई है। इस परिस्थिति में आदर्श आचार संहिता भंग न हो, इसके लिए पुलिस विभाग सतर्कता बरत रही है। आचार संहिता के काल में होली व धूलिवंदन उत्सव आने के कारण कानून व सुव्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से शहर के संवेदनशील इलाकों से पुलिस द्वारा रूट मार्च निकाला जा रहा है। पुलिस ने इस दौरान सभी से शांतता बनाए रखने की अपील की है। लोकसभा चुनाव व धार्मिक उत्सवों को देखते हुए उपविभागीय दंडाधिकारी ने 7 कुख्यात आरोपियों को तड़ीपार करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पुलिस द्वारा अन्य आरोपियों की सूची बनाई जा रही है। उपविभागीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले विभिन्न पुलिस थानों में अलग अलग तरह के गंभीर मामलों में पंजीकृत शातिर अपराधियों के तड़ीपारी का प्रस्ताव दिया गया था, जिसके अंतर्गत उपविभागीय दंडाधिकारी डॉ. नीलेश अपार ने 7 आरोपियों को 3 महीने से 1 साल तक के लिए जिले से तड़ीपार करने के आदेश देकर उन्हें जिला बदर किया है। अकोला शहर के विभिन्न थानों में ऐसे कई अपराधियों के मामले दर्ज है जो कई बड़े अपराधों में लिप्त थे। ऐसे अपराधियों की एक सूची बनाकर उन्हें तड़ीपार करने की सिफारिश पुलिस प्रशासन की ओर से की गई थी।
मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 56 के तहत प्राप्त इस सूची में यह बताया गया था कि आगामी चुनाव तथा धार्मिक उत्सवों को देखते हुए अपराधियों को अकोला जिले से तड़ीपार किया जाए। उस सूची को एसडीओ ने मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत रामदासपेट पुलिस थाना क्षेत्र से लखन तुलसीराम डागोर को एक साल के लिए, पुराना शहर के संतोष आकुसिंह ठाकुर एवं शेख मोहसिन शेख महबूब इन दोनों को 6 माह के लिए, अकोट फैल के निखिल अशोक सोनोने को 6 माह के लिए, बोरगांव मंजू के विजय भीमराव ताइडे को 6 माह के लिए, एमआईडीसी के नितिन रमेश साउदे को 3 माह के लिए, जबकि डाबकी रोड थाना अंतर्गत आने वाले अकील अब्दुल वाहब को 3 माह के लिए जिले से बाहर किया गया है। अकोला जिला परिषद में अब शिकायतों का निवारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद करेंगे, जिसके लिए 19 मार्च को शिकायतकर्ताओं को उपस्थित रहने का आह्वान किया गया है। अकोला जिला परिषद के विविध विभाग तथा पंचायत समिति में प्राप्त शिकायतों की सुनवाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद करने वाले हैं। इसके लिए शिकायत की जानकारी समेत विभाग प्रमुख एवं शिकायतकर्ता को 19 मार्च को उनके कक्ष में उपस्थित रहने के लिए संवर्ग विकास अधिकारियों को पत्र दिया गया है। जिला परिषद के विभिन्न विभाग में तथा पंचायत समिति में शिकायत प्राप्त होती है, उसके बाद क्या होता है, शिकायतकर्ता की संतुष्टि नहीं हुई, इसकी पड़ताल करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद ने सुनवाई लेने का उपक्रम शुरू किया है। शिकायतों का हल निकालने के लिए संबंधित विभाग प्रमुख संवर्ग विकास अधिकारियों को पूरी जानकारी समेत सुनवाई में उपस्थित रहना होगा। इसके अलावा शिकायतकर्ता को भी उपस्थित रहना होगा। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरून बोरगांव वैराले मार्ग का खड़ीकरण का काम शुरू किया गया है। इस खड़ीकरण में संबंधित ठेकेदार घटिया दर्जे का काम कर रहा है, इस प्रकार की शिकायतें नागरिक कर रहे हैं। बालापुर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम हाथरून बोरगांव वैराले मार्ग का खड़ीकरण का काम शुरू है। उक्त काम निष्क्रिय स्तर का होने का दिखाई दे रहा है। गड्ढों की एस्टिमेट द्वारा सफाई नहीं की जा रही है। मार्ग के सभी गड्ढों में धूल ही धूल नजर आ रही है। उन गड्ढों में बिना डामर की गिट्टी डाली जा रही है। गड्ढों में गिट्टी डालने के बाद न ही उसकी दबाई हो रही है, न रोलर घुमाया जा रहा है। रोलर शो पीस बनकर खड़ा किया गया है। काम के समय ठेकेदार नहीं इंजीनियर सिर्फ मजदूर ही नजर आ रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि कितना घटिया काम शुरू है, जिससे नागरिकों ने इस पर घटिया स्तर के काम का आरोप करते हुए खड़ीकरण डामरीकरण कर रास्ते का स्तरीय काम करने की मांग की है। राज्य सरकार द्वारा पॉलीथीन व कैरी बैग पर प्रतिबंध लगाया गया है। महापालिका के आरोग्य विभाग ने जांच करते हुए पॉलीथीन का इस्तेमाल करने वाले 6 व्यवसायियों पर 30,000 का दंड लगाया है। अकोला महानगर पालिका पूर्व पश्चिम व उत्तर जोन अंतर्गत रेलवे स्थानक परिसर के शेरे पंजाब जैन रेस्टोरेंट दावत होटल मदीना सोनी शॉपी द कोर्ट यार्ड एवं गांधी चौक के ईगल वाइन बार इन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आज पड़ताल की गई। इन स्थानों पर शासन द्वारा प्रतिबंधित नॉन ओवन पॉली प्रोपिलीन बैग का इस्तेमाल किया जा रहा था। इस संदर्भ में संबंधित प्रतिष्ठानों को प्रति प्रतिष्ठान 5,000 का जुर्माना लगाया गया। इस तरह 6 प्रतिष्ठानों से प्लास्टिक कैरी बैग का इस्तेमाल करने पर 30,000 रूपए वसूले गए। दूसरी ओर अपने आसपास के परिसर को गंदा करने के कारण रेलवे स्थानक परिसर के होटल आशीर्वाद पर 1,000 रूपयों का जुर्माना ठोका गया। महापालिका प्रशासन ने सभी नागरिकों से यह अपील की है कि शासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल तथा बिक्री बंद होने के कारण प्रशासन को सहयोग करें, लेकिन इस्तेमाल बंद न होने के कारण मनपा आयुक्त के आदेश से उपायुक्त के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में स्वास्थ्य विभाग प्रमुख प्रशांत राजूरकर, स्वास्थ्य निरीक्षक शैलेश पवार, किरण खंडारे, प्रशीष भातकुले, विनीत पांडे, कुणाल भातकुले, प्रशांत जाधव, सोहम कुलकर्णी, डॉ रवि माहोत, सुनील कंडेरा, सूरज गणोदे, जितेंद्र गोराने, विकेश मुंडे, विजय गवई, आशीष इंगले, जोगेंद्र खरारे, मनोज भागवत, वीरेंद्र लोडे, निखिल कपले, शुभम पुंड, मोहम्मद अलीम, प्रवीण मनोहर आदि का समावेश था। माननीय आयुक्त यांच्या आदेशानुसार सर्वत्र आढळत येणाऱ्या पॉलिथीन बाबत आणि नॉन ओन फॅब्रिक बाबत अकोला महानगरपालिकेने विशेष मोहीम सुरू केलेली आहे। त्याची सुरुवात अकोला रेल्वे स्थानकापासून आपण आम्ही केलेली आहे। त्यानुसार एका भोजनालयाला आम्ही 5,000 रुपये दंड आकारला आहे। नाव जैन भोजनालय आणि इतर ठिकाणी देखील आम्ही आता पुन्हा तपासणी करणार आहोत। तपासणीमध्ये एका ठिकाणी अत्यंत कमी आढळलं
आणि त्यांची एकूण परिस्थिती त्यांनी गहिवरल्यासारखं सांगितलं, तरी देखील त्या दुकानाबाबत आम्ही मान्य आयुक्त यांच्याकडे अहवाल सादर करणार आहोत आणि दंडाबाबत त्यांनी नकार दिल्यामुळे त्याच्यावर विशेष प्रकारचा दंड आकारण्याचा प्रस्ताव आम्ही ठेवणार आहोत. सर्व नागरिकांना आवाहन आहे की कुठे देखील पॉलिथीन, नॉन वोवन फॅब्रिक किंवा पाण्याचे पाऊस आढळले तर अकोला महानगरपालिकेला त्याबाबत माहिती द्यावी, आपले नाव गुपित ठेवण्यात येईल. अकोला स्वच्छ आणि सुंदर बनवण्याकरिता आपण सर्वांनी मदत करावी. डाबकी रोड पुलिस थाने के हद में आने वाले टाकली जलम में शराब बिक्री का प्रमाण काफी बढ़ गया है, जिसे लेकर गांव की महिलाओं ने डाबकी रोड पुलिस थाने पर मोर्चा निकाला. डाबकी रोड पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले टाकली जलम गांव में बड़े प्रमाण में शराब की अवैध बिक्री हो रही है, जिसके कारण गांव की शांतता भंग हो रही है और वाद विवाद की घटनाएं भी बढ़ रही है. कम आयु के युवा शराब की लत का शिकार हो रहे हैं. विशेषकर महिलाओं को शराबियों की हरकतों के कारण शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है. दो दिन पहले ही टाकली जलम के एक व्यक्ति की मौत शराब के अत्यधिक सेवन के कारण हो गई थी. टाकली जलम में शराबबंदी की जाए, इस मांग को लेकर महिलाओं ने डाबकी रोड पुलिस थाने पर मोर्चा निकालकर थानेदार सुनील सोलंके से भेंट की. गांव में शराब की गंगा को लेकर महिलाओं ने सिटी न्यूज से बोलते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की. हे आता गावात काही अशी हे होते, घटना घडते, कोणी दारू पिऊन वाढते, कोणी काही होते, घरातून काढून देते, अशा महिलाला त्रास होते. त्यासाठी आलतो आम्ही आता पोलिसची मदत घ्यायला. मग त्यांनी सांगितलं बा की आम्ही उद्या येऊ, तुम्ही काही करा, समिती तयार करा, आम्ही उद्या येतो, त्याचं पाहतो दारूचं कसं चालते काय चालते. होली के बाद सैलानी यात्रा का आयोजन रहता है, जिसके लिए राज्य परिवहन निगम द्वारा बसों का नियोजन किया गया है, जिसमें अकोला विभाग द्वारा सैलानी यात्रा के लिए 105 बसों का नियोजन किया गया है. होलिकोत्सव के बाद शुरू होने वाली सैलानी यात्रा के लिए महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की ओर से 105 बसें चलाई जाएगी. सैलानी यात्रा के लिए अकोला विभाग से लगभग 250 फेरियां चलाई जाएगी, जिससे अकोला के एसटी विभाग को 30 लाख रूपयों की कमाई की उम्मीद है. बुलढाणा के समीप सैलानी यात्रा के लिए हर वर्ष हजारों श्रद्धालु अकोला सहित अन्य गांवों एवं राज्य से आते हैं. श्रद्धालुओं की यात्रा सुविधाजनक हो, इसलिए हर साल एसटी महामंडल की ओर से विशेष बसें चलाई जाती है. इस बार भी ऐसा निर्णय एसटी महामंडल ने लिया है. लगभग 72,000 किलोमीटर की दूरी यह बसें तय करेंगी. अकोला 1 एवं अकोला 2 डिपो से 34, अकोट डिपो से 10, कारंजा डिपो से 10, मंगरुलपीर से 9, रिसोर्ट से 14, तिल्हारा से 5, मूर्तिजापुर से 4 तथा अन्य बसें आवश्यकतानुसार चलाई जाएगी. विगत वर्ष 100 बसें सैलानी यात्रा के लिए चलाई गई थी. 226 बसों की फेरियों से एसटी महामंडल को 22,42,000 की आय हुई थी, जिसकी तुलना में इस बार 29,24,000 का राजस्व एसटी महामंडल को अपेक्षित है. होली को महज 4 दिन का समय शेष रह गया है, जिसके चलते बाजार में शक्कर की गाठियों की दुकानें सजने लगी है. होली पर शक्कर की गाठियों का विशेष महत्व रहता है, जिसकी खरीदारी शुरू हो गई है. भारत के प्रत्येक त्योहार पर्व का अपना अलग महत्व है. रंगों के त्योहार होली में जितना महत्व रंगों का होता है, उतना ही महत्व शक्कर की गाठियों का भी होता है. शक्कर की गाठी को होली का पूजन में इस्तेमाल किया जाता है. इतना ही नहीं, शक्कर की गाठी का हार बच्चों को पहनाया भी जाता है. होली के समीप आते ही अकोला शहर समेत ग्रामीण इलाकों के लघु व्यवसायी शक्कर की गाठियों का माल लेकर अपनी दुकानें सजाते हैं. अकोला के गांधी मार्ग पर इन दिनों गाठियों की दुकानें सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. अलग अलग प्रकार की गाठियों के भाव अलग अलग है. इन दिनों बाजार में 80 रुपए से लेकर 120 रुपए किलो तक शक्कर की गाठियां बिक रही है. होली त्योहार को महज 4 दिनों का समय शेष रह गया है, जिसके चलते अभी धीरे धीरे गाठियों की खरीदारी शुरू की गई है. जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदहन के संकेत दुधलम निवासी व्यक्ति ने दिए थे, जिसके बाद पुलिस, दमकल विभाग व एम्बुलेंस को खड़ा किया गया था, परंतु आत्मदहन की चेतावनी देने वाला आया ही नहीं. आत्मदहन की चेतावनी देकर पुलिस, दमकल विभाग व एम्बुलेंस को नाहक परेशान करने की घटनाएं बढ़ रही है. शुक्रवार को दुधलम निवासी समाधान नारायण पंडित नामक व्यक्ति ने अपनी प्रलंबित मांग को लेकर शुक्रवार 15 मार्च को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदहन के संकेत दिए थे, जिसके कारण शुक्रवार की सुबह से ही पुलिस, दमकल विभाग की गाड़ी, एम्बुलेंस को खड़ा किया गया था.
देर शाम तक यह बंदोबस्त लगाया गया था, परंतु संबंधित व्यक्ति कलेक्ट्रेट पर पहुंचा ही नहीं। बाद में पता चला कि समाधान पंडित ने गुरुवार 14 मार्च की रात ही अपना आत्मदान वापिस ले लिया था, परंतु संबंधित विभाग द्वारा पुलिस, दमकल विभाग व एम्बुलेंस को जानकारी ही नहीं दी गई, जिसके कारण शुक्रवार को दिन भर अकारण ही यह बंदोबस्त लगाना पड़ा था। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। सांसद संजय धोत्रे को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाह। लोकसभा व होली को लेकर पुलिस का रूट मार्च। लोकसभा व धार्मिक उत्सवों को लेकर सात को किया तड़ीपार। जिला परिषद में होगा शिकायतों का निवारण। और हाथरुन बोरगांव वैराले सड़क निर्माण में भारी गड़बड़ी। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। जल्द हो रहे हैं ट्राई के नियमों में भारी बदलाव। आपको ही चुनने होंगे अपने पसंदीदा चैनल्स। देखिए आपके चैनल्स हमारे साथ। आरआरसी का वादा, कम से कम में फायदा ज्यादा। अभी करें अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क। चुने अपने पसंदीदा चैनल्स। आरआरसी नेटवर्क, अपना शहर, अपने लोग, अपना चैनल। सिटी मैत्रीण, जमीन असो वा आकाश, घर असो वा समाज, नौकरी असो वा व्यवसाय, सर्वांमध्ये सिटी मैत्रीण खास। गेल्या वर्षाची एकच आस, सर्वांमध्ये सिटी मैत्रीण खास। नवे वर्ष, नवे रूप, नवा पर्व। तुमच्या हक्काचं अंगण, तुमच्या हक्काचं आकाश। या नव्या पर्वात एकच ध्यास, महिला सशक्तीकरण। आरआरसी सिटी मैत्रीण, पर्व दुसरं। सेवा आमची, करमणूक ही तुमची।